खबरों के लिए बने रहे सोना रानी के साथ। अबोहर के प्रभारी मैडम राजवीर कौर व अन्य पुलिस पार्टी तथा एक्साइज विभाग व अन्य टीम ने आज गांव चननखेड़ा नहर के निकट अवैध रूप से शराब निकालने वाले माफिया पर रेड मारी, जिसमें मौके पर कोई भी व्यक्ति काबू नहीं आया। इस अभियान के दौरान 15,000 लीटर लाहन को नष्ट किया गया, जिसमें चालू भट्टी व अन्य सामान पुलिस ने बरामद किया है। बलिया बैड़िया से बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह संवेदनहीन दरोगा के खिलाफ अपनी सरकार में ही बैठे धरना पर बिना घटना की सत्यता जाने ही मुकदमा कायम करने से नाराज विधायक दरोगा के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए धरने पर बैठे। मामला दोकटी थाना के लालगंज बाजार का बताया जा रहा है। पंजाब के लुधियाना कोर्ट परिसर में ब्लास्ट से 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। ब्लास्ट के बाद कोर्ट परिसर में अफरा तफरी मच गई है। ब्लास्ट की सूचना मिलते ही मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद है। धमाका किस चीज का था, अभी तक इसका खुलासा नहीं हुआ है। अररिया जिले के नरपतगंज प्रखंड के नवाबगंज पंचायत स्थित पैक्स गोदाम में सुबह से ही खाद को लेकर हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी है। रुद्र शक्ति सेना के द्वारा पीड़ित दिव्यांग वर्षा यादव पीड़िता के आरोपी पति को महिला थाने में बुलाकर संस्था के द्वारा भोपाल कमिश्नर के द्वारा दबाव बनाकर पीड़िता को कल पूरे 6 महीने तक का घर का राशन देने का आदेश जारी किया गया। स्वर्ण रानी के साथ खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ क्रम 24 के साथ।